वंदे गोमातरम आप सभी को भक्तों के सामने है और आप सभी के दिए हुए दान से प्रतिदिन सेवा हो रही है। आज हमारे बहुत ही अच्छे सेठ जो बॉम्बे से गौ माता के लिए दान दिया गौ भक्तों, एक विशेष बात यह है, राजस्थान का मैं तो शायद यहाँ तक सीमित हूँ, लेकिन मुझे लगता है भारत का ऐसा गौशाला होगा, शायद आपने 4 घंटा पहले दान दिया और 4 घंटा बाद में आपके दान की सेवा क्या हो रही है वो देखने को मिले। बिल्कुल सच्ची बात है, मैं कोई बड़ाई किसी की भी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपका दान दिया हुआ तो आप देखते हो, लेकिन खर्च कहाँ होता है वो देखने के लिए हर संभव हर जगह आपको नहीं मिलता है। लेकिन श्री रामदेव आचार्य गौ सेवा समिति गोदाम गौ सेवा समिति चौराम आपको दान आता है वो भी लाइव देखने को मिलता है, और दान कहाँ खर्च हो रहा है वो भी लाइव देखने को मिलता है। आज कुछ ही समय पहले, जो 4-6 घंटा हुआ होगा, श्रीपति केसल जैन संघ खेतवाड़ी मुंबई से गौ माता के लिए 5,000 रुपये की राशि भेजी है। उसमें हंसते हैं गौ भक्त चंदनमल जी भंसाली साहब के जीजा श्री विकास जी श्रीमान चंपालाल जी जैन, जो बहुत ही अच्छे गौ भक्त हैं, जिन्होंने 5,000 रुपये की राशि गौ माता के लिए जैन संघ खेतवाड़ी मुंबई से गायों के लिए भेजी है। हमारे प्रिय गौ भक्त चंदनमल जी भंसाली साहब ने मुझे फ़ोन करके बताया, राशि नंबर वहाँ अकाउंट नंबर दिए और राशि भिजवाई है। उन राशि से आज गौ माता के लिए लापसी बन रही है। और गौ भक्तों, जितने भी जैन परिवार है, हमारे भंसाली परिवार है, उन सभी से मैं निवेदन करता हूँ, आपको ऐसा अवसर जो आपका दिया हुआ दान, और मैं तो सभी गौशाला संचालकों से भी यही निवेदन करता हूँ और दानदाताओं से भी यही निवेदन करता हूँ, दान सुपात्र को देने से अनंत गुणा पुण्य मिलता है, और दान का अगर दुरुपयोग करते हैं तो उनका बहुत बड़ा पाप भी होता है। तो आप अगर दान दे रहे हो, आपका दान अगर 100% सही लग रहा है, तो अकेले आपको पुण्य भी नहीं हो रहा है, गौशाला संचालक जो यहाँ कार्य करते हैं, गौ भक्त सेवा करते हैं, उनको भी पुण्य मिलता है, क्योंकि आपके दान से अगर सदुपयोग हो रहा है तो उसका पुण्य, आपके पैसों से पुण्य कुछ हिस्सा हमें भी मिलेगा सेवा करने वालों को, और अगर आपके दान का दुरुपयोग करेंगे तो आपको भी पूरा पुण्य नहीं मिलेगा, उल्टा पाप हमें मिलेगा, वो बात अलग है। इसीलिए दान, हमेशा दान देते हैं, उन्हें सभी गौ भक्तों को पता है दान क्या चीज़ होती है, लेकिन मैं सभी गौ भक्तों से निवेदन करता हूँ, आपका दान अगर गौ सेवा में, ऐसे सेवा होने में अगर काम आ रहा है, आप देख रहे हो छोटे बछड़े लाते, कमज़ोर लाते, कभी बीमार लाते, कभी बीमार गौ माता लेते हैं, अगर हमें और कोई स्वार्थ होता तो बीमार क्यों लाते, घर की गौ माता लेते और 11,000 रुपये की लोग रसीद कटवाने के लिए तैयार है, दुनिया भी खुशी और हम भी खुश, लेकिन नहीं, घर की गौ माता घर पे रखो और बीमार पीड़ित है उनकी सेवा करो। यह एक हमारे कमेटी और सभी गौ भक्तों, आप सभी गौ भक्तों का संकल्प है, तो बहुत ही अच्छी बात है, आप सभी गौ भक्तों के आशीर्वाद से इतनी सुंदर सेवा अगर हो रही है तो हमें भी खुशी हो रही है कि आप अगर सेवा दे रहे हो तो हमें भी सेवा करने की खुशी हो रही है, आनंद आ रहा है। गौ भक्तों, कभी कभी बड़े संकट की समय भी आती है, तो आप सभी गौ भक्तों से निवेदन है, ऐसे अगर आप समय पर सेवा करते रहोगे तो गौ सेवा भी होती रहेगी, आपका दिया हुआ दान आपको आपके सामने लाइव देखने को मिल रहा है, आपकी राशि आई 5,000 वो भी लाइव है, लापसी बन रही है वो भी लाइव है, सवेरे गौ माता को खिलाई जाएगी वो भी आपको देखेगी, जो प्रतिदिन चीज़ आपके सामने बन रही है, तो आप अपनी इच्छा से सहयोग जरूर करें, आपका दिया हुआ दान 1-1 रुपया गौ सेवा में काम आ रहा है, और हम भी यही चाहते हैं कि आप अगर समय पर दान दो तो हमें भी समय पर गौ सेवा करने का आनंद आएगा, नहीं तो कभी समय पर सेवा नहीं होती है, कभी सहयोग नहीं होता है तो बड़ा दुख भी होता है, क्योंकि गौ माता को समय पर सेवा नहीं कर पाते, इसलिए आपका सहयोग अति आवश्यक है। बहुत बहुत धन्यवाद, जय गौ माता, जय गोपाल। आज आपको मैं बताऊँ एक विशेष, जो यह 51 कट्टा हमारे श्रवणकार गौ सेवा समिति ने पोस्ट कार के भेजे हैं, प्रतिदिन के गौ भक्तों 5 कट्टे गौ माता के लिए खर्च होते हैं, तो आप कमजोर बच्चों के लिए अगर ये 5 कट्टों की प्रतिदिन व्यवस्था करते रहोगे तो महीना 2 महीना अगर अच्छा पौष्टिक आहार खिलाया तो एक बार इस गर्मी से निकल जाएंगे, फिर आगे बारिश आ जाएगी, ठंडा मौसम आएगा, फिर अगर थोड़ा पौष्टिक आहार कम होगा, अकेली लापसी से भी चला लेंगे, तो आप अपनी इच्छा से सहयोग जरूर करें। जय गौ माता, जय गोपाल।